दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों टेस्ट मैच को T20 बनाकर सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को रौंदा। शतक ठोककर भी नहीं भरा मन तो छक्के चौके जड़कर निकाला गुस्सा। तो दोस्तों आपको पहले टेस्ट के अभ्यास मुकाबले की पूरी वीडियो यहां दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानती हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में अब भाग ले रही है, जहां पहला टेस्ट मुकाबला विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर अब जारी है। हालांकि दोस्तों सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट क्रिकेट में सबसे मजबूत है और भारत को अगर सीरीज अपने नाम करनी है तो उनको हर एक मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी। लेकिन इस बात से भी मुकरा नहीं जा सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ जब भी हमारा मुकाबला हुआ है तो उन्होंने हमें हराया है और हमने भी उन्हें हराया है। तो दोनों टीमें आपस में मजबूत है और हाई वोल्टेज मुकाबले के पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि भारतीय टीम अब पहले टेस्ट मुकाबले से ठीक पहले अभ्यास मैच में भाग लेना शुरू कर चुकी है और टीम इंडिया ने यहाँ पहले टेस्ट मुकाबले के अभ्यास मैच के पहले दिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रदर्शन करके बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए आसान नहीं होगा भारत को भारत की ही सरजमी पर हराना और ऑस्ट्रेलिया की टीम को खदेड़ने के लिए टीम इंडिया अब तैयार नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के अभ्यास मुकाबले में जब भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टॉस जीता तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि इस मैदान पर बल्लेबाजी करने का फैसला जरूर गलत होगा क्योंकि ये मैदान स्पिनर गेंदबाजों को मदद करता है और गेंद यहाँ पर बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाजों के इशारों पर नाचती हुई नजर आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो रोहित शर्मा ने KL राहुल के साथ पारी की शुरुआत की। एक समय पर तो लग रहा था दोनों बल्लेबाज यहाँ टिक नहीं पाएंगे, लेकिन दोस्तों जब दोनों का बल्ला चलना शुरू हुआ तो मैदान पर चौके छक्कों की बरसात देखने के लिए मिली। जहाँ इस बीच KL राहुल भी अपनी फॉर्म में वापस आते हुए नजर आए तो वहीं रोहित शर्मा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। कप्तान रोहित शर्मा और KL राहुल ने मिलकर शतकीय साझेदारी कर डाली और इस बीच दोनों खिलाड़ी स्कोर को लेकर पहुंच गए 200 रनों के करीब। और आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी खिलाड़ी का विकेट नहीं गिर रहा था और यहाँ पर अब KL राहुल के रूप में भारत को पहला बड़ा झटका लगता है, जहाँ KL राहुल 87 रन बनाकर आउट होते हैं। और KL राहुल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम पर संकट के बादल अब मंडराने लगे थे क्योंकि एक तरफ भारत की शुरुआत इतनी अच्छी थी तो वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए चितेश्वर पुजारा कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए और 23 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे। और चितेश्वर पुजारा के आउट हो जाने के बाद चौथे नंबर पर उतरे सूर्य कुमार यादव। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को आगे जैसे ही बढ़ाना शुरू किया तो यहाँ पर अपना शतक पूरा कर चुके रोहित शर्मा 108 रन बनाकर खुद ही पवेलियन की राह पकड़ बैठे। जी हाँ दोस्तों, वो आउट तो नहीं हुए थे लेकिन यहाँ पर उन्होंने फैसला किया कि अन्य बल्लेबाजों को भी जरूर मौका मिलना चाहिए जिससे कि सभी बल्लेबाजों की फॉर्म का पता चल सके। और यहाँ पर दोस्तों अब सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली मैदान पर थे, जहाँ दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से हम सभी को खूब छक्के चौकों की बरसात देखने के लिए मिली। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि सूर्य कुमार यादव ने तो टेस्ट मैच को ही T20 में बदल कर रख दिया और उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि ये टेस्ट मुकाबला चल रहा है, इसको T20 की तरह खेलते हुए उन्होंने मात्र 73 गेंदों में 142 रनों की तूफानी पारी खेली। और दोस्तों अपनी इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 7 बड़े छक्के भी लगाए, जैसा कि आप सभी यहां पर देख भी सकते हो। तो वहीं दोस्तों उनका साथ निभा रहे विराट कोहली ने आज के मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए और पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 38 रन बना लिया नाबाद रहते हुए। और विराट कोहली, रविंद्र जडेजा पारी को अब आगे बढ़ाएंगे दूसरे दिन के खेल में। लेकिन हम आपको बता दें कि आज मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रदर्शन देखने के लिए मिला और पहले दिन जिस हिसाब से भारत ने बल्लेबाजी की 600-700 रन तो बना ही दे। हालांकि दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी भी घबरा गए हैं। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखने के बाद और आप इनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।